एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। सो अभी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये है लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और आप लोग इसको कैसे देख सकते हैं, आप मून साइन के अकॉर्डिंग, सन साइन के अकॉर्डिंग, नाम के अनुसार, राइजिंग साइन के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी कंफर्टेबल आपको लग रहा है वैसे देखें। ठीक है, ध्यान रखना फिर भी रीडिंग जर्नल है, एक्यूरेसी को मैच करने का पूरा कोशिश किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे बार बार एक्यूरेसी मैच नहीं हो पा रही है तो आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लेना चाहिए। कुंडली एनालिसिस आप मुझसे या किसी से भी करवा सकते हैं। प्राइजेस जो हैं, आपको जो चार्जेस हैं मेरे वाले, अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको व्हाट्सएप के डीपी पे ही दिख जाते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप का नंबर रिक्वायर्ड है, क्योंकि कॉल नहीं करना होता है व्हाट्सएप करना होता है, व्हाट्सएप का नंबर रिक्वायर्ड है तो स्क्रीन पे आपके सामने है। आप किसी और से भी ट्राई करवा सकते हैं, हो सकता है आपके कुंडली में कोई दोष हो तो आप वो भी चेकआउट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपसे एक्यूरेसीज मैच नहीं हो पा रही है, कोई भी राशि वगैरह जो है रिजोनेट नहीं कर पा रही, इसलिए भी हो सकता है आपके लिए इशू हो। और उसके अलावा यस, अभी चलो रीडिंग शुरू करते हैं। लव, करियर, जो भी मेरे को दिखेगा मैं सब बताऊंगी। ठीक है, लियो राशि वालों, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है। सिंह राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, ओके, यूनिवर्स क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल गई है बहुत स्ट्रांगली, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इससे पहले आप अपनी वैल्यू इतनी कर नहीं रहे थे या कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हुए थे जहाँ पर आपको पूरी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा जो है आपको ऑप्शनल रखा जा रहा था या बैकअप में रखा जा रहा था। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप जो है लोगों के लिए ऑप्शंस थे, एक तरह से आपको जो है बैकअप, या एक दो बोलते ना कि हम कुछ ऐसे लाइक गेम्स खेलते हैं और जिसमें हम लोग जो है चिल्लर पार्टी साइड में रख देते थे, तो आप जो है कच्चा बिस्कुट जैसे थे। लेकिन अब आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल गई है, बहुत सारी कंफ्यूजन से आप बाहर निकले हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखी जा सकती है। फाइनेंसेस आपके अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं, अगर नहीं हुए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डू योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट करेंगे, इस वक्त आपके फाइनेंसेस अच्छे खासे ग्रो हो सकते हैं। करियर में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, इनफैक्ट आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस महसूस हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ बदल रहा है इस नक्षत्र में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपके ऊपर मुझे स्लाइट मंगल का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, सेल्फ वर्थ भी है, और एक स्ट्रेंथ मुझे दिखाई दे रही है जिससे आप कुछ भी कर गुजरोगे, ऐसी एक बोलते ना टैलेंट है। इस वक्त आपको अगर मैं देखूँ तो ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट हो, आप एक तरह से ब्यूटी विद ब्रेन्स का, जिसमें बहुत ताकत भी है, जिसमें बहुत पॉजिटिविटी भी है, और जिसको पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मतलब आपको मैं बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड कहूँगी, आप अवेयर हो, आप फोकस्ड हो, आप अलर्ट हो अपने करियर में, अपनी लाइफ में, ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट देख पा रहे हो, सीधा देख पा रहे हो और अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर पा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, लियो राशि वालों की लव लाइफ के बारे में बताएं, लियो राशि वालों की लव लाइफ की करंट एनर्जी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। लव लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पता नहीं क्यों ना आज आपके ना हर जगह पैसे पैसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो चांसेस है आपको फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी देखने को मिलेगी, पैसे बहुत आपको मिल सकते हैं। लव लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं किसी तरीके से, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को जो है काफ़ी ज़्यादा उन सब चीज़ों से दूर रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ध्यान इस वक्त लव लाइफ पे नहीं है, आप इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। आपके अंदर एक पीस ऑफ माइंड और एक सेटिस्फैक्शन आपको फील होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहते हैं। आप जो है कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे लोगों का फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा हो और आसपास के सभी लोग खुश हों। इस वक्त आप अपनी लव लाइफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, आप टीम वर्क में बिलीव कर रहे हैं, आप अपनी टीम को एक्सपांड करने का सोच रहे हैं, अपने काम को ग्रो लेकर एक बोलते ना ऊँचाइयों पर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। आप अपने जीवन में इस वक्त ऐसा मानते हैं कि अगर आपके जीवन में आप अपने करियर में ग्रो कर गए तो आपकी लव लाइफ और बाकी सारी जो पर्सनल लाइफ में इशू है वो खुद ही सॉल्व हो जाएंगे, इस तरीके की आपकी सोच बनती हुई नजर आ रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी लव लाइफ के बारे में, लियो राशि वालों की लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 19th फेब से 25th फेब तक। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके।
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते नहीं हो, आप स्ट्रेस लेते हो, आप कभी कभी सोचते हो, पुरानी बातें, पुरानी यादें आपको हॉन्ट करती है अपने पार्टनर की। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप अपने पार्टनर के ऐसे दिखाते हैं कि आप इग्नोर कर रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपना डायरेक्शन बदल दिया है, कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज हो गई। ये पूरा वीक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप डायरेक्शंस को चेंज करके अपने आप को बदल रहे हो, न्यू बिगनिंग के लिए खुद को पुश कर रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे कि अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस ला रहे हो, पुश कर रहे हो खुद को कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें बेटर हो जाए। मुझे किसी प्रकार की एनर्जीज ऐसी भी दिखाई दे रही कि हाँ, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, हेडेक वगैरह हो सकता है, पैर में दर्द हो सकता है, या स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, इम्यूनिटी रिलेटेड आपको इश्यूज़ हो सकते हैं। हालांकि आप उन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी का एकमात्र गोल बनाकर बैठे हैं, जिसमें आप अपने आप को सिर्फ ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। आपने बहुत सोच समझ कर कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसमें आप न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हो, बट आपके हफ्ते के अंत में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे, अचानक से आपको बहुत बीती बातें याद आएंगी और अपने पार्टनर का बर्ताव या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको तकलीफ दे सकती हैं, जिससे आप बहुत परेशान होते हुए उनको सोच सोच कर, उनको याद करते हुए उदास होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी बात से आप बहुत परेशान होंगे, आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद ना आने की दिक्कत है, या रेस्टलेसनेस है आपके अंदर, एक बेचैनी सी है, आप काम भी बहुत ज़्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इतना काम करेंगे कि आप खुद को आराम नहीं दे पाएंगे, इस तरीके की भी एनर्जी है, थोड़ी सी रेस्टलेसनेस है। थोड़ा अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आराम बोलते हैं, थोड़ा आराम करने के लिए भी समय निकालना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं देख पाऊँ तो आप जो है अपनी ज़िंदगी में अपने आप को पुश करके एक न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के कनेक्शन में हैं तो चांसेस है कि आप अपने पार्टनर को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उन्हें इग्नोर करेंगे उनके साथ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप उनसे लड़ेंगे या उनके साथ बहुत बदतमीज़ी करेंगे। इट इज़ लाइक कि आप, अगर वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं आप अच्छे से बात करेंगे, अगर वो आपसे नहीं बात कर रहे हैं तो आप उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप उनको ज़्यादा समय नहीं देंगे, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, लियो राशि वालों के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। सेवन ऑफ वॉन्स, ओके नाउ आई एम गेटिंग इट। आपके पार्टनर से कोई मिस्टेक्स हुई है, कोई गलती हुई है, वो आपके साथ कुछ मैनिपुलेशंस करते आए हैं, कुछ गलत चीज़ें हैं जो उन्होंने आपके साथ की हैं, और उसके बाद कैसे ना कि गलती करने के बाद ये खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, कोई चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं, डिफेंसिव बिहेवियर है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो। आपके पार्टनर का बर्ताव इतना बुरा है कि आपको लग रहा है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई सफाई नहीं दे रहे, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, और खुद को राइट समझ रहे हैं, भाई मैं ही राइट हूँ, मैंने जो किया है वो राइट है। और ये जैसे कि ना आपका प्यार नहीं देख पा रहे हैं, आपके अगेंस्ट जाकर एक दुश्मन की टीम में खड़े हो गए हैं, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर करके थक गए हैं और आपको लग रहा है कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। इसकी वजह से भी आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। यूनिवर्स मुझे पता है इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या होगी, लियो राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 19 फेब से 25 फेब तक क्या होगी इनके लिए। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। यूनिवर्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लारीफाई करें, इनके पार्टनर के एक्शंस बताएं। 19 फेब से 25 फेब तक इनके पार्टनर के एक्शंस। लियो राशि वालों, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आप लोग जो है सेपरेशन या ब्रेकअप को फेस कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। कुछ ऐसी है जो चीज़ें जिसमें वो गलत हैं, बट वो गलती को मानना नहीं चाहते, वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेव हो रहे हैं और अपनी गलती को डिफेंड करने के हज़ार तरीके ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस वक्त इनको रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा मैस है जहाँ पर आप अपनी एनर्जी भी देना नहीं चाहते। आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपने जीवन में डिस्ट्रैक्टेड है। अब ये डिस्ट्रैक्शन इनका करियर हो सकता है या इनके जीवन में कोई और व्यक्ति हो सकता है, मुझे अफेयर तो नहीं दिखाई दे रहा, पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इनके जीवन में इनके प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं सडनली, इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। ये अपने जीवन में ना ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बिना वजह की धारणाएं भी बना रहे हैं आपको लेकर, कुछ अजीब से तुल पुथुल इनकी धारणाएं भी बन रही हैं, इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं इन्होंने, जैसे कि सोच रहे हैं आप चीज़ों में गलत हो, कुछ कुछ कहानियां बुन रहे हैं और अपना बिना वजह ही दिमाग खराब कर रहे हैं। नेगेटिविटी बहुत दिखाई दे रही है इनके माइंडसेट में आपको लेकर। ये इस वक्त ऐसा मानते हैं कि इनको जो भी सत्य था आपके बारे में पता चल गया है, जो भी सच था इन्होंने देख लिया है और अब आपसे दूर रहने में ही भलाई है। ये इस रिश्ते को नहीं चाहते, इनको लग रहा है कि जैसे कि आपने इनके साथ चीज़ें गलत की हैं या आप इनको ज़बरदस्ती जो है कुछ चीज़ों को गलत प्रिटेंड कर रहे हो, दिखा रहे हो, ताकि जो है
ये और आपका रिश्ता जो है ख़त्म हो जाए या आप इनसे कुछ बातें छुपा रहे हो, इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर ये ही थोड़ा सा डिफेंसिव बिहेव करेंगे, यही उल्टा आपको गलत फील करेंगे। और मैंने क्या कहा आपको सही शब्दों में कि आपके पार्टनर जो है किसी दुश्मन की टीम में जाकर बैठ गए हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे ये आपसे ही लड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि तुम क्यों लड़ रहे हो, बाकी लोग तो लड़ रहे हैं, तुम कहाँ बीच में टीम में आ गए, वो वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है मुझे दो रूपी चेहरे के साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दो इनके रूप देखे जा सकते हैं। एक पर एक चेहरे पे ये दिखाया जा रहा है कि जैसे वो आपने दूर दूर तक इंटरेस्टेड नहीं, वो आपको देखना भी नहीं चाहते, आपकी शक्ल से भी नफरत करते हैं, पर दूसरे पल जैसे कि वो आपको सोच सोच कर अपना मन उदास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं खुद को, तक अपना दिल टूट रहे हैं, तो उनका दिल टूट रहा है, इस तरीके की एनर्जी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हो सकता है कि आपने इनसे छुपाई थी, वो बातें इनको पता चल रही है, जिसकी वजह से भी ये काफ़ी लो और उदास फील कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप फेक अकाउंट से कहीं वो स्टॉक वॉक कर रहे थे जो उनको पता चल गया, तो कोई बड़ी मेजर बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनको पता चल रही हैं। इस वक्त एक्शन की बात करूं तो इस वक्त एक्शन में ये है कि उल्टा ये रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते को भूलने की कोशिश करेंगे, आपसे कंप्लीट सेपरेशन या कंप्लीट ब्रेकअप लेने की कोशिश करेंगे। करंट एनर्जी ये है कि ये इस वक्त आपकी जो है जीवन में सिर्फ टॉक्सिक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं या नेगेटिविटी को बढ़ा सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ये आपको समझने को इनकार कर रहे हैं। बट ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली टेम्प्ररी है, ये परमानेंट एनर्जी नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा अहंकार में या अपनी गलतियों को ना देखते हुए नज़र आ रहे हैं, पर आने वाले समय में इनको अपनी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जिसकी वजह से ये चीज़ें ठीक करने का प्रयास करेंगे। बट अभी के लिए मैं कहूँ तो ये पूरा हफ्ता ये आपके साथ डिसकनेक्टेड रहेंगे, आपके साथ जो है चीज़ें गलत होते हुए भी करते हुए भी उस चीज़ को फील नहीं करेंगे और उल्टा आप ही को गलत समझेंगे, आप ही से लाइक ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि आप रॉन्ग हो, आपने कुछ चीज़ें गलत की हैं, इनके साथ ऐसा बर्ताव देखा जा सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है लियो राशि वालों के लिए, 19 फेब से 25 फेब के लिए एडवाइस क्या है लियो राशि वालों के लिए। अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग शुरू कर दो, ठीक है। आप ये न्यू बिगनिंग को जो आपने प्लान किया है ना, जिस न्यू बिगनिंग को आपने प्लान किया, उस न्यू बिगनिंग को शुरू करो, शून्य से दोबारा शुरू करना पड़ेगा, नई सीढ़ी दोबारा चढ़नी पड़ेगी। याद रखो अब आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसमें हो सकता है कि बहुत सारे पुराने अध्याय आपका साथ छोड़ दें, बहुत सारे पुराने लोग आपका हाथ छोड़ दें, लेकिन इस समय आपको पता है क्या करना है, सिंपल से सरल शब्दों में समझा रही हूँ, सबका हाथ छोड़कर आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और देखो पीछे से कौन कौन वापस आ रहा है। ये वो समय है जहाँ पे आपको सिर्फ अपने कर्म पे और अपने काम पे ध्यान देना है, और ये ध्यान देना है कि कौन लौट कर आ रहा है, किसने अपना जो है वादा निभाया, किसने साथ दिया और किसने आपका साथ छोड़ा, उन चीज़ों को आपको जो है अपने दिमाग में बिठाना है कि अच्छा ये इंसान ने मेरे को, बट मैं ऑब्जर्वेंस कब तक होगी, ये 3-4 महीने आप ऑब्जर्व करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही हफ्ते में आप ऑब्जर्व करके फिर वापस अपने काम पर लग जाओ, नहीं, 3-4 महीने सिर्फ आप ऑब्जर्व करो कि कौन आपका सगा है और कौन आपका जो है पीठ पीछे गलत चीज़ें कर रहा है और रॉन्ग इंसान है जिस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इस वक्त देखो सिचुएशन आपके हाथ में ऐसी है ना जहाँ पर सिचुएशन आपके सामने ज़रूर बिगड़ रही है, आपका वक्त कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें आप उठ पे बैठ जाओ तो भी कुत्ता आपको काटने के लिए पहुँच ही जा रहा है, तो वो वक्त पे ना आपको ज़्यादा जो है ना कुछ चीज़ें करनी नहीं चाहिए, अपनी तरफ से आप पोक मत करो, किसी को जवाब देने का कोई मतलब नहीं, अपने धुन में रहो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, अपने नए चैप्टर शुरू करो, और शून्य से शुरू होगा इसलिए इसमें हार्डवर्क भी रिक्वायर्ड है, हार्डवर्क करो, अपना बेस्ट करो ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। यूनिवर्स यहाँ पर मैंने एक और चीज़ बतानी है, जो लोग अगर सिंगल हैं और लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफर्स देख रहे हैं उनको मैं बता रही हूँ कि एक अच्छा प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है इस हफ्ते, बट आप उस प्रस्ताव को हाँ बोलने के लिए बहुत डरेंगे, बहुत सोच विचार होगा आपके माइंड में। अगर मैं देखूँ तो सोचते बहुत नज़र आ रहे हैं, सोचेंगे, टेंशन लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप सामने वाले को ऑब्जर्व करें, 2-3 महीने उनसे बात करें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, एकदम से डिसीजन को लेकर स्ट्रेस मत लें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपको बस इस वक्त अपने गोल्स पे फोकस रहना है, किसी भी वजह से खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी डिस्ट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लाइफ में जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, ये बात को समझो कि अभी तक ये जो घटनाएं हुई हैं वो क्यों हुई होंगी, उसका कारण क्या है, क्या आपको कुछ सीखना था, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो, कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें आपको समझनी होंगी। अभी आपका ऑब्जर्व करने का टाइम शुरू हुआ है, ठीक है। कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हैं, यस ये टाइम अच्छा है, आप शुरू कर सकते हैं, काम में ग्रोथ देखी जा सकती है, करियर में आपको अच्छी खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी लव लाइफ में आप थोड़ा सा छोड़ दें पीछे, अपने काम पे ध्यान दें, चीज़ें खुद ही बेहतर होंगी आपके लिए, ऐसी स्थिति बन रही है। और अगर मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूँ तो आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि आप लोग जो है लियो राशि वालों
शक्कर का दान करो, हो सके तो फ्राइडे के दिन आप जो है शुक्रवार के दिन किसी को, किसी गरीब को शुगर, शक्कर जो होती है मीठा, अब ये शक्कर आप कोई भी ले सकते हो, वाइट है या जो भी आपके पास शुगर है, शुगर का जो भी फॉर्म है, वो नया पैकेट नया होना चाहिए, मुट्ठी भर चाहिए, आपको थैली भर चाहिए, जितनी चाहिए आप दे दो, किसी गरीब को दान कर दो। और अगर आपके लिए मुमकिन है तो आप जो पीपल का पेड़ होता है वहाँ पर भी आप ऐसे स्प्रिंकल लाइक कर सकते हो, या कहीं पर भी आपको एक अच्छी प्लेस कॉर्नर दिख रहा है जहाँ पर आप डाल सकते हो, वहाँ पर स्प्रिंकल कर दो ताकि उसे चींटियाँ खाएँ, चींटियों का खाना भी वो अच्छा माना जाएगा, या तो आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं। ये आपको शुक्रवार के दिन करना है, मेंसेस में कर सकते हैं, पर ध्यान रखना अगर आप किसी पेड़ के नीचे जा रहे हैं मेंसेस के दिन ये डालने के लिए, तो ये अवॉइड करना, मेंसेस के दिन आपको पेड़ के नीचे आसपास नहीं जाना है, कुछ स्पेसिफिक पेड़ है जिनके नीचे आपको नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैं आपको अवॉइड करने को कहूँगी। बाकी ये आप दान धर्म कर सकते हैं और प्रेगनेंसी में भी अवॉइड करें, ठीक है, प्रेगनेंसी में भी आप घर बैठे दान कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आप जो है ये शक्कर जो है उसे दान करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मिठास आ सकती है, जितना मीठा आप बाहर बांटेंगे उतना आपको मिठास वापस मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए एक और चीज़ ये भी बोल सकती हूँ, आप अपने काम की प्लेस पर बहुत सारे चॉकलेट्स लेकर रख सकते हैं, अपनी गाड़ी में चॉकलेट्स लेकर रख सकते हैं, आपको कोई भी गरीब मिले या कोई भी आपके फ्रेंड्स वगैरह कुछ भी हो, कोई भी लोग हो जो आपके यहाँ से चॉकलेट ले रहे हैं, उन्हें आप लेने दें, क्योंकि जितना मीठा आप बांटेंगे उतनी मिठास आपके जीवन में घुल कर आएगी, ठीक है। आप इसे डेली के लिए भी रख सकते हैं, डेली बेसिस पर भी आप चॉकलेट अपने पास रख सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। सो ये थी लियो राशि वालों, आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे दूसरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, कभी कभार लाइव आ जाती हूँ। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपके लिए सामने है स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर, आपको बता दूं चार्जेबल होती है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, और व्हाट्सअप नंबर पे डीपी पे ही आपको चार्जेस दिख जाते हैं, अगर आपको अफोर्डेबल लगे तभी आप बुक करें, वरना आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।